आप आ जाओ। बैठो बैठो, देखो भगवान सुन लिए, तुम इतना ज्यादा निराश हो रहे थे बैठ के, हमको सब हनुमान जी का आदेश आ रहा था, बालाजी कह रहे भगवान तुम हमारी ना सुनोगे, का ही भगवान अगर तुम ना सुनोगे तो अपन फिर कहीं विश्वास ना करेंगे, ऐसे ना सोचा करो। देखो भगवान तुम्हारी सुन लिए ना। कहाँ से आए आप भाई? कोई ले जाओ, रो ना बहन, आप रो ना। देखो रोने से कभी भगवान सुनते नहीं है। सीताराम सीताराम, अरे बोलो छत्तीसगढ़ वालों की, छत्तीसगढ़ से आए आप। देखो भगवान कितनी बड़ी तुम्हारे ऊपर कृपा की, बहुत जगह से निराश हुए। यहाँ से निराश न जाओगे, पूछो प्रश्न पूछो। कुछ बातें माइक से नहीं बोलेंगे, हम भी ना बोलेंगे कि आप आप ना बोलोगे। ठीक है चलो। सफलता लेने आए हैं, घर आपका सही नहीं है, पति का प्रश्न लेकर के आए, क्रिया कराई गई है, संतान जैसे प्रश्न लेकर के आए हैं, बच्चा नहीं आपको पुत्र होगा, जाओ कृपा होगी आशीर्वाद। जितनी भी समस्या आ रही है केवल तंत्र की क्रियाएं आपके यहाँ बिल्कुल पूरी कराई गई है, विरोध और जो ये पागल नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, वो तंत्र की क्रियाएं की वजह से ही ये जो इस तरह उपद्रव और इस तरह शराब जैसे में मतलब वो कर रहे हैं, ये मतलब अपने से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इनसे जो है तंत्र की क्रियाएं जिस तरह वहां से शक्ति भेजी जाती है, जैसे वहां से शक्ति भेजी जाती है, जैसे वहां से शक्ति आती है उसके बाद ये करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो इनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर लेते हैं, बाद में पूछा जाता तो बोल देते हमको बिल्कुल पता ही नहीं है, जिस मकान में आप रहती हैं मकान बिल्कुल सही नहीं है, वही तंत्र की क्रियाएं बिल्कुल पहुंचती हैं, उसी के कारण घर में जो है पूरी मंगल काम बिल्कुल रुके हुए हैं। आपको 21 दिन की बहुत ही पानी के बाद रख देना है, उसके बाद आपको थोड़ी खून की उल्टी जैसे होगी, खून की उल्टी जैसे होगी, जैसे ही उल्टी आपको होगी तो आपको बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है, उस दिन से आपकी शराब इतना पूरा बंद हो जाएगी, आपको उससे घिन जैसे आने लगेगी, लेकिन विशेष ध्यान देना जब आपको उल्टी होगी, थोड़ी खून की आएगी उल्टी, उससे आपको डरना नहीं है, और धीरे धीरे हर पेशी में जो है तंत्र बाधा क्रियाएं कटेगी, कृपा हो जाएगी आपसे। मकान में करवाया गया तो पूरे घर में जो है क्रियाएं बिखरी हुई है, अभी 5 पेशी तक अभी रखना है, 5 पेशी के बाद अपने आप बंद हो जाएगा डॉक्टर इलाज, ठीक है, कहे नहीं जाएंगे ना, मंगल शनि को हम यही मिलेंगे, भारत की जितने हमने कार्यक्रम बताओ है ना। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ सिद्धेश्वर धाम में और नारियल ले रहा हूँ प्रसाद के लिए, और ये देखिए दिव्य दरबार थोड़ी देर में लगने ही वाला है। पार्टी जी ने अर्जी लगा रखी है लेकिन आज तक अर्जी नहीं निकली इनकी, तो आंटी जी कुछ बताएंगी? बताइए। हाँ, हमारे घर के हमारी परेशानी दूर हो गई, हम बहुत दिन तक ये चौरा हुआ चौरा बागे हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये चौरा चौरा बागे हैं। हाँ हाँ, इनके कृपा से हमारा समस्या का समाधान हो गया है। तो आंटी जी के समस्या का समाधान हो गया है, अर्जी तो मान लीजिए आज तक नहीं निकल पाई है, लेकिन इनकी जो समस्या थी तो सारी समस्या दूर हो गई। तो आंटी जी कहती हैं कि मुझे अर्जी की कोई जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि मेरी समस्या यहाँ आने मात्र से दूर हो गई है। तो आंटी जी हर शनिवार को मंगलवार को धाम में पधारती हैं, भंडारे का प्रसाद लेती हैं। जय सीताराम, जय सीताराम। लुटा दिया भंडार सिद्धेश्वर वालों ने, सबको कर दिया माला मार सिद्धेश्वर वालों ने, बजरंगी जिनका नाम है, राम भजन जिनका काम है, ऐसे अमर भक्त हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम है। जब विपदा हम पर आई, याद किया हनुमान गोसाई, किया चमत्कार प्रभु ने ऐसा, विपदा कुछ बिगाड़ न पाई। सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान, बजरंगी जिनका नाम है, राम भजन जिनका काम है, ऐसे अमर भक्त हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम है। दुनिया ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर श्री राम ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की।
सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। सब कुछ राम पर छोड़ा हूँ, बस खुद को प्रभु नाम सिद्धेश्वर धाम से जोड़ा हूँ। अजीज भी अजीब भी है, नसीब भी तू है, इस दुनिया की भीड़ में बजरंग वाली तू मेरे करीब है। दिल न लगे दिलदार सिद्ध स्वर्गली आ जाना, हमें तुमसे हो गया प्यार सिद्ध स्वर्गली आ जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री सदा महाराज की जय। जय सीताराम। जय सीताराम। बिहार से आ गए? हाँ बिहार से। तो आपका पर्चा तो निकल गया ना? निकल गया ना। चलिए ठीक है, तो बिहार से आई हुए सर, इनकी अर्जी निकल चुकी है। महाराज के दरबार कहाँ लगता है? दरबार कहाँ लगता है? हाँ यहीं पे आज दरबार लगेगा, सामने सामने में यहीं पे बैठ जाइए। अर्जी लगा दिए हैं? कहाँ से अर्जी लगाना पड़ेगा? अर्जी आप ऐसा करिए, नारियल ले लिए यहाँ से, ठीक है, लाल कपड़ा में, काला कपड़ा में, पीले कपड़ा में, जो भी आपकी बाधा होगी आप बाधा बता दी तो उस हिसाब से कपड़ा दे देंगे, नारियल दे देंगे, लौंग दे देंगे, ठीक है ना। तो अर्जी आप बांध दीजिए, इसके बाद दरबार में बैठ जाइए, इसके बाद आपका निकल। बांध दिए हैं? बांध दिए हैं, ठीक है। तो दरबार में बैठिए, थोड़ी देर से महाराज जी आ रहे हैं, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल बहुत देखते हैं। ये चबूतरा बना है सन्यासी बाबा का, तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ परिक्रमा बालाजी की और सन्यासी बाबा की। सीताराम राम राम। आइए आइए आइए, अभी चांदी बनवा दीजिए। ठीक है, बनवा दीजिए, फिर होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सीताराम पंडित जी। और ये भैया भी लगा रहे हैं परिक्रमा, लगाइए लगाइए लगाइए। और इस तरह देखिए खजूर का पेड़ लगा हुआ है, और एक पेड़ और लगा हुआ है, एक झूले का हो गया ये, और उस साइड पीपल का पेड़ है। और इस तरह से अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है सिद्धेश्वर धाम में। और अभी देखिए सिद्धेश्वर धाम में कंस्ट्रक्शन काम कंटिन्यू चल रहा है। और यहाँ पे देखिए जिनकी अर्जी निकल चुकी है ये सभी खड़े हुए हैं, सबकी पेशी हो रही है। देखिए कंटिन्यू सब परिक्रमा देने में लगे हुए हैं भक्तगण। और यहाँ पे कुछ लोग हनुमान चालीसा, हनुमान जी का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से भीड़ कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, लगातार भीड़ बढ़ रही है। और यहाँ पे देखिए अर्जी लगी हुई हैं, ये सब अर्जी लगी हुई हैं, कुछ पीले कपड़े में है, कुछ काले कपड़े में है, कुछ लाल कपड़े में है, जिसको जैसी बाधा हुई वैसे कपड़े में लोग बांधते हैं। पीले कपड़े में शादी के लिए है, काले कपड़े में भौतिक बाधा, अगर कोई मनोकामना है तो फिर लाल कपड़े में है। देख सकते हैं सिद्धेश्वर धाम में बन रहा है भंडारे का प्रसाद चढ़ा हुआ है, हर बार भंडारा रहता है यहाँ पे, हर शनिवार और मंगलवार भंडारे का प्रसाद बन रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाइस अब देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, और दिव्य दरबार में काफ़ी लोग आ चुके हैं, अभी और आते जा रहे हैं, पूरा भर जाएगा ये पूरा प्रांगण। आप सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के महाराज श्री का अभिनंदन कर सह रहे हैं। महाराज जी की कुर्सी पहले लगवाई जाए, महाराज जी का आसन लगवाया जाए। निलेश भैया शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति
सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः शनिः। प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को दरबार लगता है। जो भी हनुमान जी टूटी फूटी प्रेरणा हमको देते हैं, जो भी गुरु आज्ञा लगती है, जो भी गुरु आदेश लगता है, वही आदेश से जो भी आपकी समस्या है उसी से समाधान आपकी समस्या होती है। क्योंकि देखिए, गुरु आदेश जो रहता है वो सबसे बड़ा आदेश रहता है। जैसे आपको हम कहते हैं, अगर आप एक डब्बा मिठाई खरीद के खा लोगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। क्या भरेगा? नहीं भरेगा। लेकिन अगर आपको गुरु प्रसाद अगर थोड़ी से मिल जाए तो तुरंत बिल्कुल पेट भर जाता है कि चलो प्रसाद मिला है। अगर कोई ऐसे ही घर से किसी के घर में जाओगे, अगर दो चार पीस मिठाई दे देगा तो आप क्या कहोगे कि बताओ दो चार दिया, घर में टाइल से लगवा के बैठा है, बोलो, यही ना बोलोगे। लेकिन गुरु प्रसाद एक ऐसा प्रसाद है, अगर हल्का भी अगर मिल जाता है समझो तो गुरु कितनी बड़ी कृपा हो जाती है। जब हम जैसे आदमी के ऊपर हो गई, हम जैसे मूर्ख के ऊपर हुई, हम जैसे नालायक के ऊपर हुई, समझो तुम तो भगवान का भजन करने वाले हो, तुम्हारे ऊपर तो अवश्य। अभी हम कल ही राम कथा विश्राम करके आए हैं, सतना में ही राम कथा चल रही थी और सिद्धेश्वर धाम में प्रत्येक मंगलवार शनिवार को देखो दरबार लगता ही है। हम आज हैं यहाँ धाम में, आज शाम को निकल जाएंगे, मैहर निकल जाएंगे अपने गुरुजी के पास में, गुरुजी से आदेश लेकर के। परसों का कल का कार्यक्रम है जसो में और परसों हम धाम में रहेंगे और जो है 16 फरवरी को हम निकल जाएंगे बड़ोदरा गुजरात, हम निकल जाएंगे 16 फरवरी, अब आने वाली है 16 फरवरी ना, 16 फरवरी को हम निकल जाएंगे गुजरात बड़ोदरा, वहाँ जो है वहाँ दिव्य दरबार लगेगा, भगवान की चर्चा होगी, रामचरितमानस में वहाँ चर्चा होगी। 19 तारीख को 20 फरवरी को हम जो है बड़ोदरा गुजरात से आएंगे, उसके बाद 21 तारीख से फिर हम निकल जाएंगे, आपकी हाटी में कथा है, 5 दिन की कथा है, 25 तारीख तक हम हाटी में रहेंगे, मतलब समझो धाम और हाटी एक ही है, तो हम ज़्यादा करके हाटी ही में रहेंगे क्योंकि देखो वहाँ कथा चलेगी। और 27 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक हम राजस्थान में रहेंगे, 26 बस का देखो गैप है बालाजी के पास, 26 फरवरी को हम धाम में रहेंगे और 26 फरवरी को ही रात में उड़ जाएंगे तो सुबह पहुंच जाएंगे कहाँ? राजस्थान। 29 फरवरी तक हम राजस्थान में रहेंगे, 27 फरवरी से 29 फरवरी तक, और 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च तक हम रहेंगे गुजरात में, 1 मार्च से 3 मार्च तक गुजरात में रहेंगे और 4 और 5 मार्च को धाम में रहेंगे और 8 मार्च से लेकर के 11 मार्च तक हम रहेंगे हरियाणा में रहेंगे। उसके बाद आगे की जानकारी तुमको नहीं देंगे हम, फिर जब हम जग्गी वाले कार्यक्रम हो जाएंगे आगे भी, देखो दिसंबर तक की पूरी डेट बिल्कुल फिक्स है, कथाएं की दरबार की धाम की जितनी डेट है दिसंबर तक की, समझो कि पूरी डेट बिल्कुल फिक्स है। जैसे जैसे बालाजी हमको प्रेरणा देते रहेंगे वैसे वैसे तुमको सूचना हम देते रहेंगे। सिद्धेश्वर धाम में प्रत्येक मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है। सिद्धेश्वर धाम में देखो स्वयं हनुमान जी बालाजी की कृपा है, सभी भक्तों को हम बाबा के एक चौपाई के साथ वंदना करेंगे, उसके बाद हमारा प्रणाम स्वीकार करना। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सभी भूदेव ब्राह्मण के चरणों में इस दास का 100 बार नागरगढ़ की कोटि कोटि प्रणाम। जितने भूदेव ब्राह्मण बैठे हैं सबके चरणों में इस दास का प्रणाम। जितने माता बहन नहर बैठी हैं सबको सिद्धेश्वर धाम की सिद्ध पीठ से सबको प्रणाम स्वीकार करो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो और अपनी समस्या को लेकर के सीताराम आप करो। क्योंकि सीताराम में ना पैसा लगता है ना रुपया लगता है, राम राम बोलो बड़ा अच्छा। राम की कृपा ऐसी है कि राम की कृपा जब हो जाए तो समझो कि किसी में क्षमता नहीं है कि रोक ले, जब तक राम की कृपा अगर समझो हो गई
और गुरु की कृपा नहीं हुई तो सब में क्षमता आएगी रोक ले, लेकिन अगर गुरु और राम की कृपा समझो हो गई तो भारत कैसा कोई नागरिक नहीं है, भारत कैसा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर गुरु कृपा हो गई आपको रोक ले हम आपसे गए, क्योंकि गुरु कृपा कोई साधारण कृपा नहीं है। जब हम जैसे व्यक्ति के ऊपर हुई, लोग आए, लोग बहुत रोकने आए, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये कोई साधारण भूत नहीं है, हम जो है ना कोई साधारण भूत नहीं है, हम जो है ना कोई साधारण परेत नहीं है, हम जो है ना कोई साधारण जिंद नहीं है, हम जिंदों के जिंद महाजिंदा है। लोग अगर कुछ कहते हैं तो पहले देख लेते हैं कि हमको कि यार ये तो दिखने में तो बहुत छोटा है लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। हम देखो सरल आदमी है जो सच्चाई में जीता है उसको सच्चाई में जी आते हैं, जो सच्चाई में नहीं जीता तो और बालाजी को भोंस देते जाओ, बालाजी तुम संभारो, क्योंकि ये हमको केवल गुरु की कृपा मिली। हमारे गुरु जी एक ही बात बोले, बेटा जिंदगी में कभी गलत करना नहीं तुम, और कोई गलत करे तो छोड़ना नहीं। और हम उसी को लेकर के आज जी रहे, लोग तो आए, लोग तो बड़ा प्रयास किए, लेकिन जैसे ही उनको पता चल जाता कि ये कोई साधारण गुरु का शिष्य नहीं है तो वो भी पीछे से आ जाते, बोले गुरु जी हमारा भी कोई सपोर्ट चाहिए बताना। हम भी कह देते देखो हमको सपोर्ट चाहिए तो बालाजी का चाहिए, सपोर्ट किसी का नहीं चाहिए, आप लोग राम भक्त बने रहो, सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा यही है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य और सबसे बड़ा हनुमान जी की कृपा हमारी, केवल एक ही हमारा संकल्प है, सनातन को जोड़ना, जो कहते भगवान नहीं होते उनके मुंह पर तुरंत जवाब देना, और जो कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती उनको तो कुछ ना बोलेंगे। आज दरबार में बैठे हुए बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, अब दरबार प्रारंभ किया जाए, बोलो किया जाए, जयकारा तेज से लगाओ तुम सब, जयकारा तेज से लगाओ, बोलो सिद्धेश्वर धाम की, अभी हम खिचड़ी भी कमाएंगे भंडारा प्रसाद, तुम चिंता ना करो, अन्नपूर्णा अभी चलेगा, जोर से तेज से जयकारा लगाओ, ये जयकारा ये तुम्हारा जयकारा नहीं है, ये जयकारा स्वयं राम जी का जयकारा, ठीक है, बोलो सिद्धेश्वर धाम की। अब लग रहा है तुम हिंदू हो, नहीं कहे कहते कि कैसा है वो हिंदू जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नहीं, अजो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। बोलो सिद्धेश्वर धाम की, जोर से बोलिएगा, बोलो सिद्धेश्वर धाम सरकार की। बोलो राम राम, तुम जितना जयकारा लगाते हो उतना हमारा हौसला बढ़ता है, और जितना हमारा हौसला बढ़ता है उतनी बालाजी की शक्तियां बढ़ती है, और जितनी शक्तियां बढ़ती है तो उतना ही तुम्हारा समाधान देखो बढ़ता है हम तुमसे, क्योंकि जब हमको कोई जगाता नहीं है तो हम जागते भी नहीं है। जिस तरह हनुमान जी को लोग नहीं जगाते हैं कि भगवान इतनी समस्या है, और हनुमान जी जागते हैं राम नाम से तो हम भी जागते हैं, जो कहते हैं भगवान नहीं होते तब तो और ज्यादा हम जाग जाते हैं। समझो अगर कोई कह दे गुरु जी भगवान नहीं होते तो समझो कि उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, फिर तो हम केवल गुरु आदेश लेकर के लग जाते, आओ जितने आओगे सब फंसोगे अपने चक्कर में। बोलो सीताराम सीताराम, जितना जयकारा लगाओगे उतनी कृपा होगी, क्योंकि राम के जयकार से ही इंसान की जय जयकार है कि नहीं, या बोलो है सो सीताराम, तुम भी बोल लो सीताराम, बोलो सीताराम, तेज से बोलो जरा सीताराम। आप लोग कभी अपने से सोचे सीताराम बोले, बोलो अब क्या कह रहे हमारे पास सीताराम, अपना हसमुख स्वभाव है इसी तरह रहने देना, ठीक है, तुम गुस्सा ना होगा। हे बालाजी अगला आदेश प्रारंभ, हे हनुमान जी आदेश दो,
आप आ जाओ। बैठ जाओ, बैठो बैठो। देखो भगवान सुन लिए, तुम इतना ज्यादा निराश हो रहे थे बैठ के, हमको सब हनुमान जी का आदेश आ रहा था, बालाजी से कह रहे भगवान तुम हमारी ना सुनोगे का ही, भगवान अगर तुम ना सुनोगे तो अपन फिर कहीं विश्वास ना करेंगे, ऐसे ना सोचा करो। देखो भगवान तुम्हारी सुन लिए ना। कहाँ से आए आप भाई? कोई ले लो, रो ना बहन, आप रो ना। देखो रोने से कभी भगवान सुनते नहीं है। सीताराम, सीताराम आ रहा। बोलो छत्तीसगढ़ वालों की, छत्तीसगढ़ से आए आप। देखो भगवान कितनी बड़ी तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं, अगर देखो भगवान कितनी बड़ी कृपा की है जो तुम्हारी अर्जी लग गई। देखो तुम अगर निराश होकर के जाते तो कितना बड़ा दुख होता है। बहुत जगह से निराश हुए हैं, यहाँ से निराश न जाओगे। देखो जो निराश होने वाला रहता है तो भगवान पहले प्रेरणा कर देते हैं कि इसकी लास्ट आस्था है तो तोड़ने मत देना। पूछो प्रश्न, पूछो कुछ बातें माइक से नहीं बोलेंगे। हम भी ना बोलेंगे जी, आप ना, आप ना बोलोगे ना, ठीक है चलो ना बोलो। गुरु जी पति, मेरे पति को 3 साल से बहुत परेशान हूँ। हर जगह जाते हैं तो बोलते हैं किसी ने कुछ करा दिया है, करा दिया है। ये पास में आ जाओ आप दोनों। बताओ सफलता लेने आए हैं, घर आपका सही नहीं है, पति का प्रश्न लेकर के आए, क्रिया कराई गई है, संतान जैसे प्रश्न लेकर के आए हैं, बच्चा यानी आपको पुत्र होगा, जाओ कृपा होगी आशीर्वाद। बोलो सीताराम। आपके यहाँ जो जितनी भी समस्या आ रही है केवल तंत्र की क्रियाएं आपके यहाँ बिल्कुल पूरी कराई गई है विरोध, और जो ये पागल नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, वो तंत्र की क्रियाएं की वजह से ही ये जो इस तरह उपद्रव और इस तरह शराब जैसे में मतलब वो कर रहे हैं, ये मतलब अपने से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इनसे जो है तंत्र की क्रियाएं जिस तरह वहां से शक्ति भेजी जाती है, जैसे वहां से शक्ति आती है उसके बाद ये करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो इनको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर लेते हैं। बाद में पूछा जाता तो बोल देते हमको बिल्कुल पता ही नहीं है, जिस मकान में आप रहती हैं मकान बिल्कुल सही नहीं है, वही तंत्र की क्रियाएं बिल्कुल पहुंचती हैं, उसी के कारण घर में जो है पूरी मंगल काम बिल्कुल रुके हुए हैं। वो आपको क्रियाएं जो है बिल्कुल पूरा अलग करना चाहती है। हम इसमें सबसे प्रथम देखो बहन, बालाजी का मंत्र लिख रहे हैं, तुमको हम भभूति देंगे, ठीक है, हम आपको भभूति देंगे। आपको भभूति जो है 21 दिन तक पाना है, 21 दिन तक आप भभूति पाओगे, 21 दिन के बाद आपको 21 दिन की भभूति हो जाएगी। आपको 21 दिन की भभूति पाने के बाद रख देना है, उसके बाद आपको थोड़ी खून की उल्टी जैसे होगी, खून की उल्टी जैसे होगी, जैसे ही उल्टी आपको होगी तो आपको बिल्कुल घबराना बिल्कुल नहीं है, उस दिन से आपकी शराब इतना पूरा बंद हो जाएगी, आपको उससे घिन जैसे आने लगेगी। लेकिन विशेष ध्यान देना, जब आपको उल्टी होगी, थोड़ी खून की आएगी उल्टी, उससे आपको डरना नहीं है, और धीरे धीरे हर पेशी में जो है तंत्र बाधा क्रियाएं कटेगी, कृपा हो जाएगी। मकान में करवाया गया तो पूरे घर में जो है क्रियाएं बिखरी हुई है। अब पहले देखो सबसे प्रथम इनका है तो इनका समाधान हो जाए, जैसे पेशी होगी तो उसमें भी सफलता मिलेगी, ठीक है। भभूति आज हम दिए, पेशी जरूर देखो करना है, बिना पेशी की 5 साल से नींद का नहीं खाना, अब नहीं खाना पड़ेगा, धीरे धीरे आराम करेंगे, ठीक है। अभी 5 पेशी तक अभी रखना है, 5 पेशी के बाद अपने आप बंद हो जाएगा डॉक्टर इलाज, ठीक है। कहे नहीं रहेंगे, मंगल शनि को हम यही मिलेंगे, भारत की जितने हमने कार्यक्रम बताओ है ना, ऊपर उड़ने वाली चली तो है, घराने वाला यजमान, उड़ने में हमको का दिक्कत है, बोलो शनिवार रहेंगे, का है दिक्कत हमको उड़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप उड़ने में अपने को का है, जाने यजमान मंत्र लिख रहे हैं, उसका जाप देखो जरूर। पूर्ण सफलता मिलेगी, आप निराश ना हो।
बोलो सीताराम। देखो हम धाम में रहे ना रहे, अगर तुम पेशी करने आओगे तो तुम्हारी पेशी मानी जाएगी, ध्यान रखना। और अगर हम रहेंगे तो समझो उतनी ही कृपा होना है, ना रहेंगे तो भी उतनी कृपा होना है। तो आपको हमसे नहीं जुड़ना, आपको जुड़ना है तो केवल सिद्धेश्वर बालाजी से आपको जुड़ना है। हम आपको चलिए परिक्रमा लगा लीजिए, परिक्रमा लगाया जाए पांचों, ठीक है चलिए। बहुत आनंद आवा। फाइनली दिव्य दरबार समाप्त हो चुका है, तो सबसे पहले चलते हैं परिक्रमा लगा लेते हैं। आप एक चीज आप सुने ना होंगे, राश्री तंबाकू खा के यहाँ सख्त मना है, कृपा न होगी इस तरह में। तंबाकू राश्री बिल्कुल छोड़िए, ठीक है ना, नशीले पदार्थ कुछ भी नहीं है। अरे गुरु नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। फाइनली गुरु आ चुके हैं गरग जी। तो गाइस जब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ, कैसी लगी अच्छी मेरी वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।